पुलिस के भेष में आए थे और हम लोग को जबरन चाह रहे थे कि अंदर से डरा करके धमका करके रात के अंधेरे में इनके विधायक को तोड़ दे और तोड़ करके हम लोग सरकार बना ले, सरकार बना ले। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये नाकामी है। ये निकम्मी सरकार, ये नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि बंधक बनाया गया है। लालू हमारे साथ बातचीत के लिए पुलिस प्रशासन क्यों पहुंचे? रात के अंधेरे में नीतीश कुमार का गुंडा पुलिस के भेष में आए थे और हम लोग को जबरन चाह रहे थे कि अंदर से डरा करके धमका करके रात के अंधेरे में इनके विधायक को तोड़ दे और तोड़ करके हम लोग सरकार बना ले, सरकार बना ले। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये नाकामी है जो प्रशासन के सहारे हम लोग को बर्बाद करना चाहती है। पूरा बिहार की जनता देख रही है। चलिए बिल्कुल, देखिए छोटे लालू थे और बिहार में बड़ा खेले होने से पहले ये बड़ी जानकारी कि नीतीश कुमार की पुलिस यानी कि बिहार पुलिस जो है वो पहुंची थी तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी करने के लिए। आरजेडी के विधायक यहां पर मौजूद हैं, तमाम जितने भी नेता हैं वो मौजूद हैं। क्यों आई पुलिस प्रशासन? देखिए पुलिस प्रशासन, ये निकम्मी सरकार, ये नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि बंधक बनाया गया है। हमारे विधायक अपने घर में हैं, मजबूती के साथ हैं। और सुनिए, यहाँ इनका घर है तेजस्वी जी के यहाँ, विधायक लोग का उनका अपना घर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है जो अभी बनी है दो चार दिन पहले, ये डर गई है। जो 17 महीना में 4 लोग युवाओं को नौकरी देने का जो काम किया है, इनको देखा नहीं जा रहा। बिहार का विकास इनको पसंद नहीं है। बस वही मजदूरी करो, चोरी करो, चुमारी करो, इन्हीं लोगों को पसंद है। बिहार में विकास इन लोगों को पसंद नहीं है। एक शांतिपूर्ण हम अपने आवास में बैठे तो क्या जो है भाई, 1000 प्रशासन के साथ आपको घुसने का? ये गुंडागर्दी हो रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मैं विधानसभा में। चलिए बिल्कुल, देखिए तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इस इलाके को बैरिकेड कर दिया है। लगातार जो तेजस्वी यादव और माले के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार 2 दिनों से हैं। और ऐसे में आज पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची थी। बड़ी बात यह है कि लगातार जो मिसिंग कंप्लेंट है वो लिखवाया गया है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है। बता दें आपको कि चेतन आनंद के छोटे भाई हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट लिखवाया था, लिहाजा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँची है। हालांकि इस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कल क्या होगा देखना होगा। दिलचस्प। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।